सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा आज का व्यंजन है व्यंजन फ। कौन सा व्यंजन है ये? फ। फ से फल, फ से फल। तो चलो बच्चों, आज हम लिखना सीखेंगे फ। फ से फूल, फ से फल, फ से फसल। फ सबसे पहले पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और वहाँ से एक छोटी सीधी रेखा लगाएंगे, फिर नीचे से उसको हल्का गोल घुमाते हुए ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और फिर वहाँ से एक और सीधी रेखा लगाएंगे ऐसे। ये हमारा बन गया प, पतंग। अब उसी बिंदु पर वापस आकर पेंसिल रखकर ऊपर की तरफ हल्का सा गोल घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे, फिर उस पर एक शिरोरेखा लगाएंगे। ये बन गया हमारा फ, फल। दोबारा पेंसिल रखेंगे उसी बिंदु पर, एक छोटी सीधी रेखा लगाएंगे, फिर इसको नीचे से हल्का सा गोल घुमाते हुए ऊपर, और फिर एक सीधी रेखा ऐसे, और फिर दोबारा उसी बिंदु पर पेंसिल रखकर हल्का सा गोल घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे और एक शिरोरेखा बनाएंगे। ये बन गया फ, फल। बच्चों आपने बड़े ध्यान से देखना है कि मैम कैसे बना रही है फ, फल, फिर आपको भी वैसा ही फ, फल बना के दिखाना है। फिर से पेंसिल को उस बिंदु पर रखा, एक छोटी सीधी रेखा लगाई, नीचे से हल्का गोल घुमाते हुए ऊपर, फिर एक सीधी रेखा, और फिर दोबारा उसी बिंदु पर पेंसिल रखी और ऊपर की तरफ हल्का गोल घुमाते हुए नीचे लाएंगे और एक शिरोरेखा। ये बन गया फ, फल। ओ लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपने जो गोल घुमाया था वो उस बिंदु पर नहीं रखा, नीचे से ले गए थे। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसी बिंदु पर पेंसिल रखकर ऊपर की तरफ हल्का गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे और एक शिरोरेखा बनाएंगे। ऐसे बन गया हमारा फ, फल। बिंदु पर पेंसिल रखी, छोटी सीधी रेखा, हल्का गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ, फिर एक सीधी रेखा, फिर पेंसिल को उसी बिंदु पर रखा, ऊपर की तरफ गोल घुमाते हुए नीचे और ऊपर शिरोरेखा। पेंसिल को बिंदु पर रखा, एक छोटी सीधी रेखा, हल्का गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके गए, फिर एक सीधी रेखा लगाई, उस रेखा पर पेंसिल रखकर ऊपर की तरफ हल्का गोल घुमाते हुए नीचे लेकर आए और एक शिरोरेखा। फिर दोबारा से पेंसिल रखी, सीधी रेखा, गोल घुमाते हुए ऊपर, फिर एक सीधी रेखा, फिर ये ऐसे इसकी पूंछ बनाई। लेकिन ये तो गलत हो गया बच्चों, क्यों? क्योंकि आपने नीचे से हल्का गोल नहीं घुमाया इसको। तो बच्चों हमें ऐसे बनाना है, फिर इसको हल्का गोल घुमाते हुए ऊपर लेके जाना है, फिर सीधी रेखा लगानी है, रेखा पर पेंसिल रखकर ऊपर की तरफ हल्का गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और एक शिरोरेखा बनाएंगे। तो बच्चों आपको भी इसी तरह फ का अभ्यास करना है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।